बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। मूजी जानवर से हिफाजत के लिए, मूजी जानवर कौन से होते हैं? रास्ते में अगर कोई कुत्ता है, कोई शेर आ जाता है, ठीक है, या कोई भी इस तरह का जानवर है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये कुत्ता वगैरह इस तरह के जानवर तो ये तो शहरों में तो आम होते हैं, स्पेशली शाम में, रात में बच्चे खेल रहे होते, सामने कुत्ते होते हैं तो वो डर होता है, खौफ होता है ना, तो उसके हिफाजत के लिए गांव वगैरह में तो और दूसरे जानवर भी बहुत होते हैं, निकल आते हैं सामने से, ठीक है, तो सांप वगैरह भी बाज़ बाज़ सामने आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हिफाजत के लिए एक आयत है कुरान की, तीन लफ्ज़ हैं, बस तीन लफ्ज़ हैं। तो अगर आपके सामने वो अगर आ जाए कोई रास्ते में, तो शोर मचाने से बेहतर है कि आप ये पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला अगर कुछ जानवर भी सामने शोर मचा रहा है, आपके सामने बाज़ होता है ना, सामने कुत्ता देख के भौंकने लग जाता है, ज़्यादा शोर मचाने लग जाता है, तो ये तीन लफ्ज़ पढ़ लें तो इंशाल्लाह ताला वो चुप हो जाएगा और वो रास्ता आपका छोड़ देगा। कल्बुहुम बासितुन ज़िरा ऐहि, कल्बुहुम बासितुन ज़िरा ऐहि, बस।